हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किचन दरबार एंड ब्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में क्रंची पानी पूरी, तीखा पानी और इसकी स्टफिंग बनाने की इजी और यमियस्ट रेसिपी देखेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, एकदम बाज़ार से भी अच्छी। आप पानी पूरी चाट अपने अपने घर पर बना सकते हैं और इसे हेल्थी और हाइजीनिक वे में इसे इंजॉय कर सकते हैं। पानी पूरी के साथ खट्टी मीठी चटनी के रेसिपी का वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आई बटन में भी दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक कप चना लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसे ओवरनाइट पानी में सोख होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए अब अगली मॉर्निंग हो गई है, हमारे चना भी अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे और इस चना को प्रेशर कुकर में डालेंगे और एक कप वाटर ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक डालकर इसे प्रेशर कुकर में 3 विजल आने तक छोड़ देंगे। देखिए चना अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब हम इसी प्रेशर कुकर में 2 आलू लेंगे, उसमें थोड़ा सॉल्ट डालकर इसे भी अच्छे से प्रेशर कुक कर लेंगे। देखिए आलू अच्छे से प्रेशर कुक हो गए हैं। अब हम इसकी स्किन निकाल लेंगे और इन आलू को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके हम छोटे छोटे पीसेस भी कर लेंगे, आप चाहे तो डायरेक्ट से मैश भी कर सकते हैं। अब इस आलू को हम इस चना में मिक्स करेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब पानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप फुल हरा धनिया लिया है और उससे थोड़ा कम मैंने यहाँ पर मिंट लिया है यानी पुदीना लिया है और 1 इंच अदरक लिया है और 4 से 5 हरी मिर्च लेंगे। इन सबको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और ब्लेंडिंग जार में वॉश किया हुआ हरा धनिया, पुदीना और अदरक की स्किन निकाल कर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसमें डाल देंगे। 4 से 5 हरी मिर्च भी डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको अच्छे से चर्न कर लेंगे। इसके बाद हम एक स्ट्रेनर लेंगे, इसमें सारा पेस्ट किया हुआ मिक्सचर को डालकर इसे स्ट्रेन कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। अब हम इस स्ट्रेन किए हुए पानी में सबसे पहले 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून से थोड़ा कम यहाँ पर मैंने ज़ीरा मसाला लिया है यानी ज़ीरा पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 टीस्पून इमली लेंगे, इसे 5 मिनट्स के लिए सोख होने देंगे, इसका सारा पल्प निकाल लेंगे और इसे भी इस पानी में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे दोबारा से स्ट्रेन कर लेंगे और स्ट्रेन करने के बाद इसे हम फौरन फ्रीज़र में रख देंगे ताकि इसका कलर चेंज ना हो जाए। और आप जब सर्व कर रहे हो उससे पहले हम इसमें थोड़ा खारा बूंदी मिला देंगे, इसे हम चिल्ड सर्व कर देंगे। अब चलते हैं हम बॉईल किए हुए आलू और चना की तरफ। हम एक मीडियम साइज का ऑनियन लेंगे और इसे रफली चॉप करके इसमें मिक्स कर देंगे। 1/2 टीस्पून यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। फ्राई करने के बाद जो फ्लैटन पूरी रह गई है उसे यहाँ क्रश करके डालेंगे ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगे। इसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रेन किया हुआ ग्रीन मसाले का जो ऊपर का मिक्सर करने के बाद जो पेस्ट रह गया है उसे भी इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ट्रस्ट मी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हम इसमें सॉल्ट और टेस्ट ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर रेडीमेड पानी पूरी लिया है, ये मैंने छोटी पैकेट ली है जिसका कॉस्ट 15 रुपीज़ है। इसमें 40 पानी पूरी बन जाएगी। मैं यहाँ पर आगे आपको पानी पूरी बनाना भी सिखाऊंगी, लेकिन जिसके लिए पानी पूरी मुश्किल है वो ये भी परचेस कर सकते हैं। बस हम इसे गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई कर लेंगे, इस तरह से स्पून से पलटते हुए फ्राई कर लेंगे, देखिए इस तरह से, और हमारे गोल गोल पानी पूरी आसानी से बन जाएगी। फ्राई करने के बाद जो फ्लैटन पानी पूरी रह गई है हम इसे आलू के मिक्सर में क्रंच करके डालेंगे जैसा मैंने आपको पहले बताया था। जब कभी आपको सडन पानी पूरी खाने का मन हो तो आप रेडीमेड पानी पूरी ला लीजिएगा और यहाँ पर तीखा मसाला बनाकर इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। देखिए मैंने सारे पानी पूरी फ्राई कर लिया है, अब हम इसे यहाँ पर खट्टी मीठी चटनी के साथ, जिसका लिंक मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और जो हमने आलू का मिक्सचर रेडी किया था और 1 कप मैंने यहाँ पर कटा हुआ ऑनियन लिया है, और ये रहा हमारा तीखा और एकदम चिल्ड पानी। तो लीजिए आपकी पानी पूरी तैयार है, है ना बिल्कुल एकदम आसान। तो चलिए जल्दी इसे बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। चलिए अब हम होममेड पानी पूरी बनाते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून सूजी लिया है और उतने ही अमाउंट में हम यहाँ पर मैदा यूज करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें 1 चुटकी सॉल्ट डालेंगे, 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। सॉफ्ट इसीलिए क्योंकि सूजी पानी पीता है और पीने के बाद यह खुद ब खुद हार्ड हो जाएगा। देखिए हमें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी चाहिए। अब हम इसे ढक देंगे और 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे।
15 मिनट के बाद देखिए हमारा आटा थोड़ा सा हार्ड हो गया है। अब हम एक गिरदे पर सा ऑयल लगा देंगे और आटे के लोई बेलकर इसका एक अच्छा सा ट्रांसपेरेंट सा रोटी बेल लेंगे। हम यहाँ पर एक बोतल के ढक्कन से या रोटी कटर से इस तरह से कट कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म ऑयल में दो तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी पूरी अच्छे से फ्राई हो गई है। फ्राई होने के बाद यह खुद ब खुद पलट कर ऊपर आ गई है। हम रिमेनिंग पूरी इसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि ऑयल हमारा हॉट होना चाहिए और अगर आप एक साथ पूरी फ्राई नहीं कर रहे हो तो आप एक एक पूरी बेलते जाइएगा और उसे गीले कपड़े में ढककर रखते जाइएगा। लेकिन अगर आप बेलने के बाद फौरन फ्राई कर रहे हैं तो ये और भी बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से हम बाकी सारे पूरियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए होममेड पूरी बनाना भी कितना आसान है। बस आप थोड़ा सा केयरफुल रहकर होममेड पूरी भी बना सकते हैं। हमने इतनी क्वांटिटी में 20 से 25 पूरी बना ली है। इसमें भी हम सेम इसी तरह से आलू का स्टफिंग, थोड़ा सा अनियन, थोड़ी सी मीठी चटनी और तीखे पानी में डिप कर कर इसे सर्व कर देंगे। इसके ऊपर से थोड़ा सा सेव डालेंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और इसे सर्व कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर खट्टी मीठी चटनी का पानी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट डाल रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल किचन दरबार एंड ब्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।